your maths teacher. So let's start. Students, आज का हमारा टॉपिक है सबट्रैक्शन. सबट्रैक्शन पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 1 टिल 7 जो है वो हम क्लास में कर चुके हैं. अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 टिल 7 नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज उसे कंप्लीट कर लीजिएगा. आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है सबट्रैक्ट एंड देन चेक द आंसर. हमें सबट्रैक्शन तो आ गई, हम सबट्रैक्शन किसी नंबर को हम सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हमारा आंसर, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हमारा सही है या नहीं सही है. तो आज हम चेक करेंगे, हम ये भी मेथड सीख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से अपने आंसर को दोबारा से चेक कर सकते हैं कि जो मेरा डिफरेंस आ रहा है मैं सबट्रैक्ट करने के बाद वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले नॉर्मल हम सबट्रैक्शन कर लें. 3 में से 2 निकाले 1, ठीक है. 4 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, क्यों? क्योंकि 4 छोटा है. तो हम क्या करेंगे, हम बराबर वाले नंबर से अपना बोरो लेंगे. 14 में से 8 गए कितने बजे, 6. अब क्योंकि मेरा 4 भी 6 से छोटा है तो मैं उसके बराबर वाला नंबर से फिर बोरो लूंगी. ये हो गया 14. 14 में से 6 गए 8 और 8 में से 5 गए 3. ये आ गया मेरा डिफरेंस, ये आ गया मेरा आंसर. अब पता नहीं मुझे कि मैंने अपना जो सॉल्यूशन किया है वो सही किया है कि नहीं किया है. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उसको चेक करूंगी. चेक करने का तरीका क्या है कि मुझे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑपोजिट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट ऑफ सब्ट्रैक्शन मेरा क्या होता है, ऐड होता है. इसी तरह ऑपोजिट ऑफ एडिशन क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ एडिशन मेरा सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है. तो इसी तरह मैं क्या करूंगी कि जो मेरा आंसर आया है उसको मैं अपनी लोवेस्ट वैल्यू से क्या करूंगी, माइनस कर लूंगी. तो मैं चेक कैसे करूंगी कि जो मेरा आंसर आया है मैं उसमें लोवेस्ट वैल्यू से क्या करूंगी, ऐड कर लूंगी, ठीक है. क्योंकि मुझे पता है यहां मैंने लिखा है कि मेरा ऑपोजिट ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन, ठीक है. आइए चेक करके देखते हैं कि मेरा जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो सबसे पहले तो जो मेरी लोवेस्ट वैल्यू है 5, 6, 8, 2 मैं ऐड करूंगी जो मेरा आंसर आ रहा है. मेरा आंसर क्या आ रहा है, 3, 8, 6, 1. अब मैं इसको ऐड कर रही हूं. ऐड करने के बाद देखते हैं कि मेरा आंसर आना क्या चाहिए. मेरा आंसर जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू है ना, दोनों को प्लस करके मेरे ये आना चाहिए. इसका मतलब मेरा आंसर 9543 आना चाहिए. आइए देखते हैं, 2 + 1 = 3. देखिए यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ठीक है. 8 + 6 = 14, ये 1 कैरी हो गया, ठीक है. देखिए यहाँ पे भी 4 आ रहा है. अब 6 + 8 = 15 और प्लस 1, 6 + 8 = 14, 14 + 1 = 15. तो यहाँ पे भी 5 किया और यहाँ 1 कैरी कर दिया. यहाँ तक तो मेरा आंसर सही आ रहा है, देखिए 5, 4, 3. अब मेरा लास्ट वाला कम रह गया, 5 + 3 = 8 और ये कैरी वाला ऐड किया 1, ये हो गया 9, 5, 4, 3. इस तरह से मैंने देखा कि मेरा जो ये आंसर डिफरेंस आया है सबट्रैक्शन का, ये सही आया है क्योंकि ऐड करने के बाद मेरी हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 9, 5, 4, 3 आंसर में आ रही है. सो लेट्स स्टार्ट अनदर पार्ट, दैट इज पार्ट एफ. पार्ट एफ में क्वेश्चन क्या है, 4592 - 1704, ठीक है. तो अब सबट्रैक्शन नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं. 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, बराबर वाले नंबर से बोरो लूंगी. ये हो गया 12. 12 में से 4 गए कितने बचे, 8 बचे. 8 में से 0 गए 8. इसी तरह से देखें कि मेरा 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, बराबर वाले नंबर से अगेन बोरो लूंगी. 15 में से 7 गए कितने बचे, 8 और 3 में से 1 गए 2, सही है. ये आ गया मेरा डिफरेंस, माइनस करके मेरे पास ये आंसर आया. अगेन मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, मैं कैसे चेक करूंगी, मैं दोबारा इसको आंसर को 2888 में से ऐड कर दूंगी 1704. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने अपने आंसर को नीचे लिखा था और लोवेस्ट सम की वैल्यू को ऊपर लिखा था. एडिशन में आप नंबर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन मुझे चेक कैसे करना है कि मैं हमेशा अपनी लोवेस्ट वैल्यू से आंसर को प्लस करके देखूंगी तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है. 8 में 4 ऐड किए कितने हुए, 12. ये 1 कैरी हुआ, 8 + 1 = 9. 8 में 7 ऐड किए कितने हुए, 15. दोबारा मैंने ऐड कैरी किया, ये आ गया मेरे पास 4.
देखिए मेरा आंसर वही आ रहा है 4592. इसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है और इस तरीके से मुझे पता है कि मेरा जो ऑपोजिट और सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन होता है. एडिशन के थ्रू मैंने चेक कर लिया कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसका आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि चेक करते वक्त हमेशा लोएस्ट वैल्यू से ऐड कीजिएगा, हाईएस्ट वैल्यू से ऐड नहीं कीजिएगा. आई होप कि आपको आज का जो मेरा टॉपिक है वो समझ आया होगा. आगे अब आ जाते हैं होमवर्क पे. आपको होमवर्क क्या करना है, मैंने आप लोगों को पार्ट ए और एफ करवाया है. आपका होमवर्क है कि आपको